मरियोपोल में रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। 38वीं मरीन कॉर्प्स के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आखिरी सांस तक लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, ये यूक्रेन ने कहा है। मरियोपोल में कई सारे विदेशी मुल्कों के लोग हैं जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। आज भी इंग्लैंड की तरफ से मांग उठी कि कैसे इंग्लैंड के जो दो सोल्जर्स पकड़े गए हैं जिनको रशिया ने परेड किया है, हर हाल में उनको छोड़ा जाए। स्पेन का एक सोल्जर पकड़ा गया है, उसको छोड़ा जाए। ये तो पकड़े गए हैं, न जाने ऐसे कितने होंगे जो नहीं पकड़े गए हैं। इस बीच ये भी जानकारी आ रही है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि क्लस्टर बम का 2 से ज्यादा बार रशिया ने इस्तेमाल किया, जो कि बैंड है। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन पर, दूसरी बार जो विध्वंसक हमला हो रहा है वो प्रेसिडेंट पुतिन का रिवेंज प्लान है। प्रेसिडेंट पुतिन नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन में उनकी हार हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हताशा बढ़ रही है उनकी। यही वजह है कि यूक्रेन के दर्जनों शहरों में फिर से तबाही जारी है, खासकर उन शहरों में जहां से वो लोग निकल चुके हैं, खासकर उन शहरों में जहां पर वेस्टर्न इंफ्लुएंस है, खासकर उन शहरों में जो कि सप्लाई लाइंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही यूक्रेन हर 5 में से अपना एक हथियार रशिया को बेचता था 2020 तक। लेकिन वहां पर अब आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट है कि अब से महज कुछ घंटों बाद सबसे भीषण अटैक डोनबास पर होने वाला है, जिसका सिग्नल मिलना शुरू हो चुका है। बारूदी बवंडर की यह तस्वीर सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये रूस यूक्रेन वॉर के और विध्वंसक होने का नया प्रमाण है। डोनबास में धधकती हुई ये आग, धुएं का गुबार, विनाशक युद्ध का रिवेंज गेम है, जिसमें क्लोजिंग चैप्टर भी आज रात ही लिखा जाएगा। क्योंकि रूस का यह प्रहार डोनबास की बर्बादी का नया आधार है। एक बार फिर देख लीजिए इस दृश्य को, अगले कुछ घंटों में यहां की तबाही और दहलाने वाली होगी। पुतिन आज की रात डोनबास में भीषण अटैक कर युद्ध की नई लकीर खींच देंगे, ये बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। वो डोनबास को खत्म और तबाह करने वाले हैं, वो सब कुछ बर्बाद कर देने वाले हैं। जो डोनबास की पहचान है, डोनेस्क और लुहांस्क के इलाकों को धरती से मिटा देना चाहते हैं। डोनबास में पुतिन के रिवेंज प्लान से ज़ेलेंस्की इस कदर खौफजदा है कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि आज की रात डोनबास की आखिरी रात है। आज की रात रूस ने पूरे डोनबास को तबाह करने का फाइनल इरादा बना लिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की भी दम दिखा रहे हैं, कहते हैं कि रूस के रिवेंज पर पानी फेरने के लिए यूक्रेन कुछ भी करने को तैयार है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।